हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेड से बनने वाली एक बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी। इसे आप ब्रेड कटलेट भी बोल सकते हैं। इसे आप शाम की चाय के साथ या फिर जब भी हल्की फुल्की भूख लगी हो तो बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए हमारे ब्रेड कटलेट कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और यह खाने में इससे भी ज्यादा टेस्टी हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करें। तो ब्रेड कटलेट बनाने के लिए यहाँ मैंने 3-4 मीडियम साइज उबले हुए आलू लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, इसको डाल देंगे। 1 बड़ा साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच ऑर्गेनो हर्ब्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक, ऑर्गेनो हर्ब्स और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें बहुत थिक नहीं बनाना है, इस प्रकार की कंसिस्टेंसी वाला घोल हमें रेडी कर लेना है। अब हम ब्रेड को बारीक पीसेज में कट कर लेंगे। आपको जितना कटलेट बनाना है उसी क्वांटिटी में आप ब्रेड ले सकते हैं। इसे मैं ग्लास की हेल्प से इस तरह से गोल गोल कट कर रही हूँ। आप चाहें तो कुकी कटर या कोई भी कटोरी से इसे कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी ब्रेड के पीसेज को कट कर लेंगे और ये जो किनारे के बचे हुए ब्रेड हैं इन्हें भी हम कटलेट में यूज करेंगे। इसके लिए इसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और इस तरह से हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ब्रेड की पीसेज कट करके रखी है उसमें से एक पीस लेकर उसके ऊपर आलू की स्टफिंग जो हमने बनाकर रखी है इस प्रकार से रख देंगे। अब एक और ब्रेड का पीस इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे ही हमें सारे ब्रेड में स्टफिंग भरकर रेडी कर लेनी है। अब हमने मैदे का जो घोल बनाकर रखा है उसमें इसे डिप करके निकाल देंगे और ब्रेड क्रम से इस प्रकार से कोट कर लेंगे जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे जिससे ब्रेड क्रम्स अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसे स्लो फ्राई करूंगी। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें कटलेट डाल देंगे और दोनों साइड अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यह बहुत ही कम तेल में बन जाता है, तेल नहीं सोखता है। जब यह दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं, तब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सभी कटलेट फ्राई कर लेने हैं। तो इस तरह से हमारे कटलेट सर्व करने के लिए रेडी हैं। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
तो देखिए हमारे ब्रेड कटलेट कितने यम्मी बनकर तैयार हुए हैं। इसे आप गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए विद नीलम्स किचन फिएस्टा।